welcome you all on this channel of Prince Punjabi Traveler. Myself Sapreet Singh. Me Prince Deep Singh ji. Welcome you all on this channel. And if you are new to our channel, please make sure to subscribe and like the video and share with your friends. आज हम आए हैं अमृत उद्यान को घूमने. ये राष्ट्रपति भवन के गार्डन को ही कहा जाता है अमृत उद्यान. पहले इसका नाम मुगल गार्डन था. अक्सर जो अमृत उद्यान है ये फरवरी और मार्च के महीने में खुला होता है, यानी कि स्प्रिंग सीजन में. पर 2023 एक ऐसा साल है जिसमें ये पहली बार समर सीजन में भी ओपन हुआ है. तो आइए चलते हैं, इसे एक्सप्लोर करते हैं और क्या क्या इसमें चेंजेस आए हैं फरवरी मार्च की कंपैरिजन में, आज हम उन्हें एक्सप्लोर करेंगे. आइए इसको विजिट करते हैं. दिल्ली पहुंचने के लिए आप कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेन, बस, कार और फ्लाइट. अगर आप बस से आना चाहते हैं तो ISBT बस स्टैंड आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन होगी, क्योंकि उसके सामने ही बना हुआ है कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन जो कि येलो लाइन पर है. अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो दिल्ली के पास दो प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं जिनका नाम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन है. उनके साथ ही बना हुआ है मेट्रो स्टेशन, जिससे आप येलो लाइन पर चेंज करके सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन पर पहुंच सकते हैं, जो कि अमृत उद्यान की सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन में से एक है. अमृत उद्यान के अंदर कोई भी खाने पीने की वस्तु और हैंड बैग या फिर पर्स लेकर जाना वर्जित है. सिर्फ आप मोबाइल को ही अंदर लेकर जा सकते हैं. अगर आप कोई खाने पीने की वस्तु या फिर हैंडबैग अपने साथ कैरी कर चुके हैं तो यहाँ पर बने हुए क्लॉक रूम में जमा करवा सकते हैं. सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन पर उतरने के बाद आपको गेट नंबर 4 से एग्ज़िट लेना होगा. वहाँ से आप 20 या 30 रुपए में एक ऑटो हायर करके अमृत उद्यान पहुँच सकते हैं. अमृत उद्यान के द्वार आपके लिए सिर्फ 17 सितंबर 2023 तक ही खुले हुए हैं, फिर ये द्वार बंद हो जाएंगे और आपको फरवरी मार्च तक का वेट करना पड़ेगा ताकि आप अमृत उद्यान को देख सकें और इसका लुत्फ उठा सकें. यह है उद्यान उत्सव सेकंड का विजिटर मैप, जहां पर पॉइंट्स ऑफ अट्रैक्शन दर्शाए गए हैं. बहुत से स्कूल अपने स्कूली बच्चों को लेकर अमृत उद्यान घुमाने के लिए लेकर आए हुए हैं और वह सभी अमृत उद्यान का लुत्फ उठा रहे हैं. अगर आपको प्यास लगे तो आपको टेंस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमृत उद्यान में ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी भी उपलब्ध है. जब अमृत उद्यान 2023 में फरवरी मार्च में खुला था तो यह जगह ओपन नहीं थी पब्लिक के लिए, पर अब समर सीजन में यह पब्लिक के लिए ओपन है. इस जगह का नाम बाल वाटिका है, जहां पर फुल ऑन नेचर, बच्चों के लिए राइड्स और एक ट्री हाउस शीशम के पेड़ के ऊपर बना हुआ है, जो शीशम का पेड़ 225 साल पुराना है.
बाल वाटिका में आप कुछ टाइम रेस्ट कर सकते हैं और इंडिया की हिस्ट्री को जान सकते हैं। इंडिया के ओल्ड टाइम्स को याद करते हुए यह टांगा भी यहाँ पर खड़ा किया हुआ है। यह है वह शीशम का पेड़ जो कि 225 साल पुराना है। अमृत उद्यान में सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ है जहां पर आप सेल्फी ले सकते हैं और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए अमृत उद्यान को टैग कर सकते हैं। अभी हम एंटर कर चुके हैं हर्बल गार्डन में। यह जो आप पौधे देख रहे हैं ये फरवरी मार्च के टाइम पे बहुत छोटे छोटे थे पर ये अब बड़े हो चुके हैं और सुंदर भी लग रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन जिसके नज़दीक हम जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ इस पूरी वीडियो में। यहाँ पर अनेक प्रकार की हर्ब्स लगी हुई हैं और यहाँ पर QR कोड भी लगा हुआ है जिससे आप स्कैन करके इनके बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। यहीं पर बना हुआ है स्पिरिचुअल गार्डन जिसमें पूजा पाठ में यूज होने वाले अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। गार्डन में ऐसे अनेक प्रकार के पेड़ पौधे हैं जिन्हें मैंने और मेरे फादर ने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। आप भी यहाँ पर अपने बच्चों परिवार वालों के साथ आइए, अपनी वेकेशंस को एंजॉय कीजिए। बाल वाटिका से हर्बल गार्डन, हर्बल गार्डन से होते हुए अब हम पहुंच चुके हैं बॉन्साई गार्डन जिसका जापानी भाषा में मतलब होता है बौने पौधे, यानी कि बड़े पेड़ों को छोटे रूप में दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पौधों में अनेक प्रकार की वैरायटी है। जो आप फाउंटेन्स देख रहे हैं इनका नाम म्यूजिकल फाउंटेन्स है जिनका निर्माण देश के प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने करवाया था। जब हम फरवरी मार्च के महीने में अमृत उद्यान को घूमने आते हैं तब भी ये फाउंटेन्स जो हैं चल रहे होते हैं। इनके पास से बहुत ही सुंदर एवं मधुर साउंड आ रही होती है। अब हम एंटर हो चुके हैं अमृत उद्यान में और सामने हम देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन की मेन बिल्डिंग को। राष्ट्रपति भवन की मेन बिल्डिंग के साथ ही बना हुआ है राष्ट्रपति भवन संग्रहालय जहां पर आप 50 रुपीज़ पर पर्सन की फ़ीस के साथ आप उसको भी घूम सकते हैं, उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको राष्ट्रपति भवन की मेन बिल्डिंग के गुंबद पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप समझ लीजिए कि हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अभी राष्ट्रपति भवन में उपस्थित हैं। अगर आपको गुंबद के ऊपर हमारा झंडा नहीं दिखाई दे रहा तो आपको समझ लेना चाहिए कि हमारे देश की प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन में मौजूद नहीं है।
अमृत उद्यान के सभी पेड़ों को सिमेट्रिकल रूप में कट किया गया है। यहाँ पर जगह जगह पर फर्स्ट एड पोस्ट बने हुए हैं, जहाँ से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप फर्स्ट एड ले सकते हैं। आइए अब एंट्री करते हैं रोज़ गार्डन में, जहाँ पर 125 तरह के अनेक प्रकार के रोज़ेस खिलते हैं। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो बहुत ही कम रोज़ हैं, तो इसका रीज़न है कि यह रोज़ का सीज़न नहीं है। जब इनका सीज़न यानी स्प्रिंग फरवरी मार्च का महीना आएगा, तब ये सारा का सारा रोज़ गार्डन गुलाब के फूलों से खिला होता है और यहाँ पर बहुत ही सुंदर खुशबू आती है। अब हम सब मिलकर एंटर हो चुके हैं अमृत उद्यान की स्पेशलिटी सर्कुलर गार्डन में। यहाँ पर विंटर के सीज़न के समय जब फरवरी मार्च को अमृत उद्यान ओपन होता है, तो यहाँ पर अनेक प्रकार के फूल खिले होते हैं। पर गर्मी में आने का एक फ़ायदा है कि हमें पता चलता है कि गर्मी के मौसम में कौन कौन से फूल खिलते हैं। एक बात ज़रूर है कि बहुत सारे फूल मुरझा चुके हैं, पर फिर देखिए उस फाउंटेन की तरफ जो म्यूज़िक के साथ कितना सुंदर लग रहा है। हम सब ने बाल वाटिका, बॉन्साई गार्डन, हर्बल गार्डन, अमृत उद्यान को घूम लिया है। अब हम हो चुके हैं एग्ज़िट, अब चलते हैं फूड कोर्ट की तरफ और चेकआउट करते हैं वहाँ का मेन्यू और अपनी पेट पूजा के लिए कोई फूड आइटम खरीदते हैं और उसे खाते हैं। आइए चलिए। यह लगा हुआ है फूड कोर्ट का मेन्यू, जहां से आप चीजें सिलेक्ट करके उनका ऑर्डर दे सकते हैं। फूड कोर्ट में हमको एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखी। ये देखिए, ये इंडिया की कल्चर हेरिटेज एडवेंचर को दर्शाता हुआ एक एग्जीबिशन लगाया गया है। आप देख सकते हैं इंडिया का कल्चर। हम फूड कोर्ट से बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर हमको दिखा एक सिटिंग एरिया, जहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अमृत उद्यान की मूवी भी चलाई जा रही है और अगर आप कोई गाना गाना चाहें तो वो भी गा सकते हैं। क्या हाल हो गया है
से बेवजह ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। ये अजिहे जीव ने कुछ जड़े अलोप हो गए ने ते कुछ बंदियां ने देखे भी है नहीं। ਇਹ ਉਹ ਜੀਵ ਨੇ ਉਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਲਗਭਗ ਗੋਲਾ ਕਬੂਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਆਹ ਜੀਵ ਹੁਣ ਦੀਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਜੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਘੁੰਮੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਇਹ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਟੂਰਿਸਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਉਰੇ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਘੁੰਮਣ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੀ, ਸਰਦੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜੀ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਮਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਦਿਆਨ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ ਥਾ। ਅਭੀ ਹਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕੀ ਓਰ, ਔਰ ਹਮ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 35 ਸੇ ਹੀ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਥੇ, ਔਰ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 35 ਸੇ ਹੀ ਹਮ ਐਗਜ਼ਿਟ ਲੇਂਗੇ। ਹਮ ਸਭ ਨੇ ਘੁੰਮ ਲਿਆ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਦਿਆਨ। ਆਪਕੋ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਤਾਈਏ। ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੀਜੀਏ, ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੀਜੀਏ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤੋਂ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁਲੀਏ। ਅਗਰ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਔਰ ਵੀ ਸਥਾਨੋਂ ਕੋ ਲਾਈਕ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ, ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਟੈਂਪਲ, ਲੋਟਸ ਟੈਂਪਲ ਕੋ ਵੀ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਉਨਕੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਔਰ ਉਸਕੀ ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਪੂਰੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਹਮਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਚੈਨਲ ਪੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਅਬ ਹਮ ਮਿਲੇਂਗੇ ਇੱਕ ਨਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਕੇ ਸਾਥ, ਤਬ ਤੱਕ ਬਾਏ।